नमस्कार दोस्तों, अपने एक और नए YouTube वीडियो में, जिसमें कि हम लोग मिर्च की खेती के बारे में आज बात करेंगे। मिर्च की खेती, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक अच्छा जो मिर्च का उत्पादन अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें बेहतर से बेहतर संकर बीज लेने की आवश्यकता है। अगर हम हरी मिर्च की अगर बात करें, उसकी उत्पादन की बात करें, तो एक अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजातियां जो वो हैं, परिपक्वता है उनकी 160 से 170 दिन का हमारा पौधा है जो कि एक अच्छा मिर्च का उत्पादन देता है। और अगर हम हरी मिर्च की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं 110 दिन में हमारे पास फल तुड़ाई के लिए पौधा तैयार हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक अच्छी बढ़वार वाली गर्मी की जो है मिर्च है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें फूल जो है वो प्रारंभ हो गया है और फल भी आच्छादित हो रहा है, और धीरे धीरे ये जो मिर्च है ये इसमें जो फल का है इसका प्रभाव है, और कहीं ना कहीं एक अच्छा उत्पादन देने के लिए हम देखते हैं कि इसमें कीटों से, बीमारियों से हमें इन पौधों को बचाना होता है। रोपाई करते वक्त भी आप एक अच्छे जो फंजीसाइड यानी कवकनाशियों का प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें किसी भी तरीके का रोग है उससे हमें निजात मिलता रहता है। क्योंकि मिर्च एक बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, एक बेहतर अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें इसका पानी का जो यानी सिंचाई का प्रबंधन भी रखना चाहिए। और चूंकि बरसात में आप देखेंगे कि एक ऐसी जगह पे भूमि पे मिर्च की खेती करें जहाँ पे जल निकास की एक बेहतर प्रबंध हो, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अच्छा उत्पादन लेने के लिए मिर्च का इन सटीक जानकारियों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मैं मानता हूँ कि एक 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का एक अच्छा उत्पादन आप इस मिर्च से प्राप्त कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं धन जो है हमारा किसान है वो मिर्च की खेती से लाभ उठा सकता है। नमस्कार दोस्तों।